आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे सर्कल के एरिया रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द कॉस्ट ऑफ प्लो द फील्ड एट रुपीज 1.5 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 5775, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपीज 8.5 पर मीटर इज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम पे क्या बोला गया है कि एक फील्ड है वो सर्कल के फॉर्म में है, मतलब सर्कुलर फील्ड। अब उसको प्लॉ करने में, मतलब पूरा एरिया को ढालने में 1.5 पर मीटर स्क्वायर में लगता है, और पूरा जो खर्चा हो रहा है वो हमारा हो रहा है 5775। अब उसको फेंस देना है, मतलब चारों तरफ फेंसिंग करना है, तो उसका खर्चा कैसा होगा, पर मीटर पर 8.5 रुपीज़ लगता है। तो पूरा खर्चा कितना होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कुलर फील्ड है। अब पकड़ लेते हैं कि इसका जो सेंटर होगा, जो रेडियस होगा वो होगा आर। सेंटर से हम रेडियस ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, रेडियस को आर ले लेते हैं हम। तो हमें पता है कि अगर आर किसी सर्कल का रेडियस हो गया तो पूरा जो एरिया होता है इसका, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर हो जाता है वो हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 पर मीटर स्क्वायर, उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है पूरा ये एरिया को ढालने में। तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा हो रहा है 1.5, पाई आर स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो पूरा खर्चा कितना हो रहा है 5775। अब इसको सॉल्व करना है हमें, हमको आर स्क्वायर ऐसे मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5775 बाई 1.5 बाई पाई, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 22/7, तो मतलब 22 यहाँ पर आएगा, 7 इधर जाएगा। अब इसकी 11 से हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पर 2 मिलेगा, 11 से क्रॉस किया तो हमें मिलेगा 5 2 1 5। अब 2 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 मिलेगा। अब 3 से इसको क्रॉस कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा 1 7 एंड 5। अब 7 1 7 5 को ऐसे ही रखते, मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, तो हमारा आर स्क्वायर जो आ गया ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 175 को हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7। सो 7 से ब्रेक किया तो 2 एंड 35, तो 5, तो मतलब 5 इंटू 5 ये हम इरेज कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर का वैल्यू मिला है हमें 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमें आर क्या मिलेगा, इसका रूट ले लेंगे तो हमें 7 मल्टीप्लाई 5 मिलेगा, मतलब 35 मिल रहा है। तो हमारा जो रेडियस था वो हमारा हो गया 35 मीटर। तो हम रेडियस को यहाँ लिख देते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, इसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग तो हम पेरीमीटर का ही कर सकते हैं, तो पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। तो पेरीमीटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 22/7, और आर का वैल्यू हम मिला था 35। यहाँ से 5 कट गया, 5 एंड 2 10, तो 220। अब देखते हैं कि फेंसिंग के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, पर मीटर में खर्चा कितना हो रहा है 8.5। 1 मीटर में खर्चा हो रहा था 8.5, तो हमें कितना मीटर दिया है 220, तो खर्चा कितना हुआ 220 मल्टीप्लाइड बाई 8.5। तो यहाँ पर मिलेगा 85 मल्टीप्लाइड बाई 22, आंसर होगा 1870। अब हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 में यही है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।